नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा के पेश इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक हो अपनी कौम को हिदायत कर दो कहा कि भाइयों मैं तुमको खुले तौर पर नसीहत करता हूँ खुदा की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो वो तो तुम्हारे गुना बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर तक तुमको मोहलत अता करेगा जब खुदा का मुक्र किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखिर नहीं होती काश तुम जानते होते लोगों ने ना माना तो नूह ने खुदा से अर्ज की कि परवरदिगार में अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा लेके बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे जब मैंने उनको बुलाया कि तोबा करें और तू उनको मुआफ फरमाए तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और अक्ट बैठे मैं उनको खुले तौर पर भी बुलाता रहा और सिर और पोशीदा हर तरह समझाता रहा और कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो कि वो बड़ा माफ करने वाला है वो आसमान से मेह बरसाएगा कमाल और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें बागता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा को क्या हुआ है कि तुम खुदा की अजमत का एतकाद नहीं रखते उसने तुमको तरह तरह की हालतों का पैदा किया है क्या नहीं देखा कि खुदा ने सात आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और अंत को उनमें जमीन का नूर बनाया है और सूरज को चराग ठहराया है खुदा ही ने तुमको जमीन से पैदा किया है फ्री में तुम्हें लौटा देगा और उसी से तुमको निकाल खड़ा करेगा और आही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि उसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो उस ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबे हुए हैं जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कुछ फायदा नहीं दिया वो बड़ी बड़ी चालें चले कहने लगे कि अपने महबूदों को हरगिज न छोड़ना और वद्दा और सुआ और यगूस और यवूक और नसर को कभी तर्क न करना परवरगार उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह कर दिया है तो तू उनको और गुमराह कर दे फिर वो अपने गुनाहों के सबब पहले गरकाब कर दिए गए फिर आग में डाल दिए गए तो उन्होंने खुदा के सिवा किसी को अपना मददगार न पाया और नूह ने यह दुआ की कि मेरे परवरदिगार किसी काफिर को को रुए जमीन पर बस्ता न रहने रहने दे अगर तू तो उनको रहने देगा तो तेरे बंदों गुमराह करेंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और ना शुक्र गुजार होगी मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उसको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को माफ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा